गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज आपने कभी ये बात नोटिस की है कि जिन लड़कियों का साइज प्लस होता है और वो अपने ड्रेस को कितना कॉन्फिडेंटली स्टाइल अप कर सकती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइज वो फॉलो करती हैं कलर पैटर्न को। तो क्या होता है कलर पैटर्न, और साथ ही साथ में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चार कलर पैटर्न जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं अगर आप प्लस साइज के हैं और आप थोड़ा सा थिन देखना चाहते हैं तो, और जानेंगे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी उसके साथ में। आई होप आपने इससे पहले वाले ये वीडियो देखी होगी। इसका लिंक आपको या तो आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, या तो आपको वीडियो के एंड में जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कलर आता है गाइज ब्लैक। ब्लैक इज द शेड जो कि सबसे डार्क शेड है कलर स्पेक्ट्रम में, साथ ही साथ में ये एक मोस्ट फ्लैटरिंग कलर है जिसको आप कैरी आउट करते हैं तो आपकी जो बॉडी का फिगर है वो बहुत ही ज्यादा एक फ्लैटरिंग लुक में आ जाता है। ब्लैक पहनने का ये फायदा है गाइज कि ये आपको एक इल्यूजनरी थिन इफेक्ट देता है जिससे ऑटोमेटिकली पहनने वाले की बॉडी थोड़ी सी श्रिंक नजर आती है। तो फर्स्ट कलर हो गया कि आप ब्लैक कलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप प्लस साइज हैं तो। नाउ गाइज नेक्स्ट थिंग है कि आप अगर ब्लैक नहीं पहनना चाहते हैं या फिर आपके ट्रेडिशन में ब्लैक अलाउड नहीं है तो आप शेड्स ऑफ ब्लैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इफेक्ट गाइज आपको ब्लैक कलर देता है वही इफेक्ट आपको शेड्स ऑफ ब्लैक भी देंगे। अब शेड्स ऑफ ब्लैक में जो कलर्स आ जाते हैं वो है नेवी ब्लू आप पहन सकते हैं, चॉकलेट ब्राउन, डार्क ग्रे एंड डार्क पर्पल। नंबर सेकेंड की बात करें तो गाइज नंबर सेकेंड आ जाता है द रूल ऑफ फॉलो। अब बेसिकली द रूल ऑफ फॉलो कुछ नहीं है, जस्ट आपको मोनोक्रोमेटिक पैटर्न में तैयार होना है। अब मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि मोनोक्रोमेटिक के फायदे क्या हैं जिसमें आप पतले दिख सकते हैं एंड लंबे दिख सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक पैटर्न क्रिएट करने के लिए गाइज आपको टॉप से लेके बॉटम तक एक ही कलर में तैयार होना है जो देगा आपको एक श्रिंक एंड ब्यूटीफुल लुक। लेकिन गाइज बहुत बार हम एक ही कलर पहन के बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कलर वैल्यू में। अब कलर वैल्यू क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज बेसिकली कलर वैल्यू में आपको मोनोक्रोमेटिक लुक ही क्रिएट करनी है, लेकिन जो मोनोक्रोमेटिक लुक करनी है वो आपको करनी है एक बेसिक कलर से और एक प्राइमरी कलर से। यहाँ पे मैंने चार्ट इंसर्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक कलर में जब आप व्हाइट ऐड करते जाते हैं तब वो उसकी कलर वैल्यूज बन जाती है। तो आप इस तरह के एक ही कलर के बेसिक और प्राइमरी कलर को ऐड करके अपना लुक क्रिएट कर सकती है, वो भी आपको एक मोनोक्रोमेटिक लुक ही देगा। नाउ गाइज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए जो आपको कलर पहनने चाहिए और जो कलर आपको नहीं पहनने चाहिए वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। तो मैं मिलूंगी आपको ऐसे ही और नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइज बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे स्टाइलिश।